नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज से जुड़ी हर खबरें। और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस की खास खबरें। प्रतापगढ़ लालगंज वार्ड 18 से सभासद प्रत्याशी दिनेश मिश्रा की अपील, पहले भी अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है और हमेशा करता रहूंगा, किसी के भी दुख दर्द में हमेशा आगे खड़ा रहता हूँ, हमारे यहाँ की जनता हमारे साथ है और इस बार हमको बड़े बहुमत से जीत दिलाएगी। दिनेश चंद मिश्रा लालगंज वार्ड 18 से सभासद प्रत्याशी। दिनेश चंद मिश्रा की अपील, पहले भी अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है और हमेशा करता रहूंगा। चुनाव के दौरान जनता चाहती है उनके कामों, उनकी समस्या पर ध्यान दिया जाए और जो प्रत्याशी होते हैं वो भी ये चीजें करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं इस समय हूँ वार्ड संख्या 18 उमापुर लालगंज में। अब यहाँ के सभासद प्रत्याशी से बात करूंगा और जानूंगा कि क्या योजना लेके इस बार जनता में आए हैं, क्योंकि इनका ग्राम सभा जो वार्ड 18 है पहली बार नगर पंचायत में जुड़ा है। सर नमस्कार। जी सर, क्या नाम है सर आपका? दिनेश चंद मिश्रा। दिनेश चंद मिश्रा जी, जी। तो इस बार आप सभासदी प्रत्याशी हैं। जी जी। तो आप अपनी जनता के लिए क्या कहें? अब हम अपनी जनता के लिए जितना मुझसे हो सकेगा उतनी मैं उनकी मदद जैसे करता था वैसे सेवा में उनके लगा रहूंगा। जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको मैं भली भात करता रहूंगा। जैसा आपने बताया कि आपकी प्रत्याशी आपकी पत्नी जी हैं और आपका खड़ा चुनाव निशान है, तो वो जनता के बीच में तो आप जाके मिलके बता ही रहे हैं। आपने ये कहा है कि आपके यहाँ समस्याओं को लेकर कोई आता है तो उसको आप सुनते हैं, करते हैं, वो सामाजिक तौर से जो मेरे पास आता है उसकी समस्या, अगर मेरे पास पैसा है या नहीं है मैं उसको कर्ज लेकर उसकी पूरी मदद करता हूँ। और ये संकल्प है कि चुनाव रहे या ना रहे लेकिन मैं जनता का सेवा हरदम करता रहूंगा। जनता की सेवा करते रहेंगे हरदम। तो अभी जैसे अभी नगर पंचायत आ गया है तो हो सकता है यहाँ बजट अच्छा हो और यहाँ पर आए और यहाँ की विकास तेजी में हो, तो इसके लिए जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे कि आप अच्छा काम करेंगे? जो भी वहां से मैं योजना ले आऊंगा वो जनता के बीच में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा मैं नेताजी से और यहाँ से लेकर अधिकारियों से उनकी पूरी सेवा ईमानदारी से करता रहूंगा। तो क्या जनता इस बात से आश्वस्त हो सकती है आपके कथन के अनुसार कि आपकी कही हुई चीजें पूरी होंगी? जी, मेरा प्रयास रहेगा और मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि जनता मेरा विश्वास जरूर करेगी। तो मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या निवेदन, क्या अपील करेंगे अपनी जनता? अब जनता से मेरी हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि वो हमारे ही निशान खड़ा हूँ वोट देकर मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाए। मैं जैसे उनका सेवा करता था वैसे हृदय से उनकी सेवा करता रहूंगा। तो आप सुने, आपके बीच में सभासद प्रत्याशी थे, आप ही के घर गांव के हैं दिनेश चंद मिश्रा जी थे, जिनकी पत्नी इस समय चुनाव मैदान में है, खड़ा उन्होंने निशान अपना बताया है और उन्होंने कहा है कि वादा कर रहा हूं कि जो चीजें कोई नहीं कर सकता वो मैं करके दिखाऊंगा और जनता के बीच में मैं हमेशा रहा हूं, आपके बीच में वही चीजें फिर आप मुझे पाओगे, चुनाव जीते या हारे इससे कोई मायने नहीं रखता, सेवा में बराबर रहेंगे। तो ये थी लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल की कुछ खास खबरें। इसी तरह चुनिंदा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल।